सिक्स ईयर्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज 10, 24 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई जनरेशन ऑफ विंडोज विंडोज 11 की अनाउंसमेंट कर दी है। विंडोज 11 में कुछ एक्साइटिंग फीचर्स हैं और इसी के साथ कुछ लोगों के मन में डाउट भी है वेदर देयर लैपटॉप और पीसी इज़ कंपेटिबल फॉर विंडोज 11 अपडेट और नॉट। सो इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट द चेंजेस गाइस, आई थिंक विंडोज 11 का एक रिफ्रेशिंग सा लुक है। स्टार्ट मेन्यू हैज़ बीन मूव टू द सेंटर एज कम्पेयर टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर और फाइनली स्टार्ट मेन्यू में इस बार कोई टाइल्स देखने को नहीं मिलेगी। इन माई ओपिनियन देवर स्पेशियस एंड आई रियली यूज दैट। और स्टार्ट मेन्यू में टॉप में हमें कस्टमाइज सेक्शन ऑफ ऐप देखने को मिलेगा, मिडल में हमें रिकमेंडेड ऐप्स का सेक्शन देखने को मिलेगा एंड बॉटम में यूज़र आईडी और पावर बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट इज सेइंग दैट विंडोज 11 इज मोर पावर एफिशिएंट देन विंडोज 10, सो होपफुली गाइस विंडोज 11 में लैपटॉप यूजर्स के लिए ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाए। देन MS Edge ब्राउजर इज गोइंग टू बी मोर फास्ट एंड सिक्योर। आप में से कौन MS ब्राउज़र यूज़ करता है ये बताना कमेंट सेक्शन में। फॉर PC गेमिंग कम्युनिटी माइक्रोसॉफ्ट इज सेइंग दैट DirectX 12 अल्टीमेट प्लस ऑटो HDR फीचर ऑफ विंडोज 11 इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। सो लेट्स सी ओनली फ्यूचर इज गोइंग टू टेल अबाउट दैट। फाइनली द बिग न्यूज, द बिग फीचर दैट एंड्रॉयड ऐप्स आर गोइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर which is kind of cool, but let's see what kind of app and how many apps which we are going to get on Microsoft Store. So let's see what happens. Features जानने के बाद अगर अब आप ये सोच रहे हैं चलो features तो हम देख लेंगे, मगर मुद्दे की बात बताओ Windows 11 की अपडेट हमें मिलेगी कब और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है विंडोज 11 के लिए। हम ऐसे ही सपने तो नहीं देखे जा रहे, हमारा लैपटॉप या पीसी कंपेटिबल भी है कि नहीं है। सो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि जो हमें स्टेबल अपडेट मिलेगी विंडोज 11 की दैट वी आर गोइंग टू गेट इन लेट 2021 और अर्ली 2022। और अगर आप में उतनी पेशेंस नहीं है, आप डेवलपर वर्जन चाहते हैं विंडोज 11 का या बेटा वर्जन चाहते हैं विंडोज 11 का, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का इनसाइडर प्रोग्राम होता है एक, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन डाउन कर दूंगा। अब डिवाइस कंपैटिबिलिटी की बात भी कर लेते हैं, तो इसके लिए आपका लैपटॉप या पीसी में प्रोसेसर 1 GHz विद 2 or more cores होना चाहिए। रैम आपके लिए मिनिमम 4 GB की रखी गई है, स्टोरेज 64 GB की रखी गई है एंड वन मोर थिंग, डिस्प्ले जो है वो आपकी मिनिमम 720p रेजोल्यूशन की होनी चाहिए। और अब भी आप बोलो कि SG हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा, आप हमें एक एप्लीकेशन बताओ जिससे हमें लग जाए पता कि हमारा पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 के लिए कंपेटिबल है या नहीं है। सो लेट्स सी अबाउट दैट ऑल्सो। सो गाइज, टू चेक द कंपेटिबिलिटी ऑफ योर लैपटॉप और पीसी फॉर विंडोज 11 अपडेट आई प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट लिंक आप इस वेब पेज पे आ जाओगे और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक फॉर कंपेटिबिलिटी। जब आप डाउनलोड ऐप पर क्लिक करोगे तो देर इज़ एन एप्लीकेशन कॉल्ड विंडोज पीसी हेल्थ चेक सेटअप, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना एंड आफ्टर ओपनिंग दिस ऐप यू विल सी इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 11 चेक नाउ वेदर योर पीसी मीट्स द सिस्टम रिक्वायरमेंट। क्लिक ऑन द चेक नाउ बटन एंड वोइला यू गोना फाइंड आउट वेदर योर पीसी और लैपटॉप इज कंपेटिबल फॉर विंडोज 11 और नॉट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो हिट दैट डिसलाइक बटन and if I missed something comments mein bata dena and also give me recommendations about how to improve and thanks again for watching this video.